अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिया की किताब। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लें और हमने पढ़ना है इसका सबक नंबर 3, हमारे माँ बाप, पेज नंबर 15। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो चलिए हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे माँ बाप यानी हमारे वालदैन, जिनके साथ हम रहते हैं, जो अल्लाह की तरफ से सबसे नायाब, सबसे कीमती, बेशकीमती और बहुत ही खूबसूरत तोहफा कौन होते हैं? हमारे माँ बाप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अल्लाह ने हमें माँ बाप दिए, माँ बाप के दिल में हमारी मोहब्बत डाली, उन्हें प्यार करने वाला बनाया। अब्बा जान मेहनत करके कमाते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर देते हैं। अम्मा जान हमें प्यार से खिलाती पिलाती हैं। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, यानी अल्लाह ताला ने हम सबको माँ बाप दिए हैं और दुनिया में हमारे आने का ज़रिया हमारे माँ बाप ही हैं। माँ बाप के दिल में हमारे लिए अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, क्या बच्चों के लिए, कि अगर माँ बाप के दिल में हम बच्चों के लिए मोहब्बत ना हो तो वो हम लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देती हैं, तब जाके हम बच्चों को खुशियाँ मिलती हैं। तो अगर मोहब्बत ना होती, अगर अल्लाह ने मोहब्बत ना डाली होती माँ बाप के दिल में हम बच्चों के लिए, तो ये सब पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। और फिर अल्लाह ने उन्हें बहुत ही प्यार करने वाला बनाया। ज़ाहिर है जिसके दिल में इतनी मोहब्बत होगी कि अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करें, तो वो प्यार भी करते हैं अपने बच्चों से। और जो हम लोगों के वालिद होते हैं, वालिद साहब होते हैं, यानी कि अब्बू पापा, कुछ लोग पापा भी कहते हैं, कुछ लोग अब्बा जान कहते हैं, अब्बू अब्बा, ये सब सब एक ही होते हैं, ठीक है, वो हमारे अब्बा होते हैं। वो मेहनत करके कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं कि उनके बच्चे आराम से रह सकें, अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, अच्छा खा सकें, अच्छा पी सकें। इन सब का की जिम्मेदारी एक बाप के कंधे पे ही होती है, इसलिए हमारे जो वालिद होते हैं, पापा होते हैं, अब्बा जी, तो वो हम लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम लोग की मोहब्बत में ही पढ़कर और हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें, बिना किसी सोच, बिना किसी फिक्र के, इसके लिए वो कमाते हैं, बहुत मेहनत करते कमाते हैं कि ताकि हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें मिल सकें। और जैसे कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो भी ज़रूरी है, वो सब हमारे अब्बा ही हम लोगों को लाकर देते हैं। और अम्मी जो होती हैं, हमारी अम्मी जान, वो हमें बहुत ही प्यार से खिलाती पिलाती हैं। अम्मी का क्या काम होता है? वो घर में रहती हैं, हमारी देखभाल करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, हमसे मोहब्बत करती हैं, खाना बनाती हैं। और अच्छे, हम लोग जब भी कभी कुछ फरमाइश करते हैं तो कौन बनाता है? हमारी अम्मी ही बनाती हैं। जाहिर है कि अम्मी ही बनाएंगी, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, तो वो अच्छे अच्छे पकवान बना खिलाती पिलाती हैं। और ये जितनी भी रहमतें हैं, माँ बाप अल्लाह तरफ की तरफ से बहुत बड़ी रहमत हम लोगों के ऊपर, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सही सलामत रखें। और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हम सब बच्चों को अल्लाह ने माँ बाप से नवाजा है, अल्लाह ताला की तरफ से ही ये बेशकीमती तोहफ़ा हम सब बच्चों को मिला है। अल्लाह ने हमारे प्यारे माँ बाप को हुक्म दिया कि वो हमें पालें, हमारी सरपरस्ती करें, हमें अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, खूब पढ़ाएं, अदब व तहजीब सिखाएं। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे माँ बाप को इस बात का हुक्म दिया है, सबके वालदैन को अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि वो अपने बच्चों को मतलब अच्छी तरह से पालें और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को, छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करें और अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, जो बेहतर हो बच्चों के लिए, और बच्चों की अच्छी तालीम करें, उन्हें तमीज़ और तहजीब सिखाएं। ये सारी जिम्मेदारियाँ किसकी होती हैं? अल्लाह ने किसे दी हैं? माँ बाप को दी हैं। हमसे प्यार करें, हम पर शफ़क़त करें, हमारी छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करें, हमारी देखभाल करें, हिफाजत करें, पाल पोस कर बड़ा करें। अल्लाह ने हमारे वालदैन को ये भी हुक्म दिया है कि वो हम सब बच्चों से प्यार करें और हम लोगों की जो छोटी बड़ी जो भी ज़रूरतें हैं, जायज़ ख्वाहिशात जो भी हैं,
वो सब हमारे वालदैन ही पूरी करते हैं। उन ज़रूरतों के, उन ख्वाहिशात के पूरा होने का अल्लाह ने ज़रिया किसे बनाया, हमारे माँ बाप को बनाया है। और हर तरह से, हर बुरी चीज़ों से हिफाजत भी हमारे माँ बाप ही करते हैं हम लोगों की। अल्लाह ने उन्हें, हमारे माँ बाप को इस बात का हुक्म दिया है कि अपने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखो, उन्हें पाल पोस कर, अच्छी परवरिश करके उन्हें बड़ा करो, हमें अच्छे अखलाक की तालीम दें, अच्छे खेल खिलाएं, बुरी आदतों से बचाएं, बुरे कामों से बचाएं। हमारे माँ बाप के हम पर बहुत एहसान हैं, यानी अल्लाह ने हम बच्चों के अखलाक को अच्छा करने की भी ज़िम्मेदारी हमारे माँ बाप को दी है। अच्छी तालीम, तरबियत, अच्छा खेलना कूदना सब कुछ हमारे माँ बाप की ही ज़िम्मेदारी होती है। हम अगर हमारे अंदर अगर बुरी आदतें आ जाती हैं तो उन्हें ख़त्म भी हमारे माँ बाप ही करने की कोशिश करते हैं। बस ज़रूरी ये है कि हम अपने माँ बाप की बात को सुने, उसे समझें, उसे माने, क्योंकि हमारे माँ बाप से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता और हमारे माँ बाप से बेहतर कोई कर भी नहीं सकता हमारे साथ। इसलिए माँ बाप के ऊपर अल्लाह ने इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी दे रखी है, उन्हें ये हुक्म दे रखा है कि अपने बच्चे की देखभाल वो खुद करें, उनकी ज़िम्मेदारी वो खुद उठाएं, और हम बच्चों को बुरे कामों से बचाएं, बुरी आदतों से बचाएं। हमारे माँ बाप जो हैं तो वो हम पर, उनके बहुत एहसान हैं। वालदैन के जो एहसान होते हैं ना, हम अगर ज़िंदगी भर भी उनकी खिदमत करें तो कभी हम उनके एहसान को उतार नहीं सकते हैं। माँ बाप बहुत कीमती, उनकी कद्र कीजिए आप सब। माँ बाप पर कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए, चीखना नहीं चाहिए। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि चीखते चिल्लाते हैं, माँ बाप की कोई बात नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। और अल्लाह को कभी भी नाराज़ करने का सोचिए भी ना, क्योंकि अल्लाह अगर नाराज़ हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और अल्लाह को राज़ी रखना सबसे ज़रूरी है, अगर अल्लाह राज़ी रहेगा तो सब राज़ी हैं। और अल्लाह की रज़ा किस में है, हमारे वालदैन की खुशी में। इसलिए हम सब बच्चों को ये कोशिश करनी है कि अपने अपने वालदैन को खुश रखें। अब किस तरह से खुश रखना है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम माँ बाप की खिदमत करें, उनका कहना माने, उन्हें खुश रखें, उनकी इज्जत करें। देखिए अल्लाह ने भी यही हुक्म दिया है। अगर अल्लाह ने माँ बाप के ऊपर को हुक्म दिया है, उन पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, तो हम बच्चों पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह ने हम बच्चों को भी ये हुक्म दिया है कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें और उनकी इज्जत करें। ठीक है, माँ बाप की इज्जत सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ है आपके लिए। उनके साथ अदब व एहतराम का सलूक करें। हमारा फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप की खिदमत में कभी कोई कमी ना करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम बच्चों से कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो। आजकल क्या होता है कि हम लोग अजनबियों की इज्जत कर लेते हैं लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे माँ बाप हमारे लिए सबसे कीमती हैं, उनकी कदर करिए, उनका एहतराम कीजिए और उनसे बहुत ही तमीज़ से पेश आइए। वो कभी भी आप पे चीखें चिल्लाएं तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ वो आखिर क्यों ऐसा, अगर वो आपको डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, कुछ तो वजह होगी ना। आप ज़ाहिर है कि वो आपके भले के लिए ही आपको डांटेंगे। माँ बाप कभी भी बिला वजह अपने बच्चों पे ना चीखते हैं, ना चिल्लाते हैं, ना कभी डांटते हैं। वो बहुत ही मजबूर हो जाते हैं तब जाकर वो चीखते चिल्लाते हैं। इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपने माँ बाप को कभी भी मजबूर ना करें, इतना मजबूर ना करें कि वो हम पर चीखें चिल्लाएँ। हाँ, बात करें हमसे, हमें समझाएँ, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनकी खिदमत में कभी भी कमी ना नहीं दीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं ये हम पर फ़र्ज़ किया गया है। ठीक है, कि माँ बाप की खिदमत करनी है हमें। अल्लाह, रसूल, वालदैन और असातज़ा, इन चारों के बहुत ऊँचे दर्जे हैं। यानी कि अल्लाह ने अल्लाह, रसूल, वालदैन और मतलब जो भी हैं, तो इन सब, ये सब का जो दर्जा है, एक लेवल है, वो मतलब उसकी हद हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, वो मेहरबान है। ठीक है,
उसके बराबर कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम सब उनके उम्मती हैं और ज़ाहिर है कि उन्होंने हम उम्मतियों से इतनी मोहब्बत की है, तो हम भी उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं ना। हम सब हमारे नबी से, हमारे रसूल से, अल्लाह से, अपने वालदैन से, हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इतनी तौफीक दें कि हमारे दिलों में इनके लिए मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। अल्लाह और रसूल के बाद माँ बाप का सबसे ऊंचा दर्जा है, यानी कि अल्लाह के बाद हमारे नबी का दर्जा है, रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद जो सबसे बुलंद दर्जा जो है तो वो हमारे माँ बाप का, हमारे वालदैन का है, हमारे मम्मी पापा का। तो इसलिए उनकी इज्जत करनी है, हमें उनसे मोहब्बत करनी है। माँ बाप की खिदमत और अताअत जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है, यानी कि अगर माँ बाप को खुश रखिएगा ना तो वो जन्नत में जाने का आपका ज़रिया बनेगा। इसलिए दुनिया में जन्नत कमाने के लिए अगर कुछ करना है तो वो माँ बाप की खिदमत है। आप लोग माँ बाप की खिदमत कीजिए, उससे आपको जन्नत हासिल होगी, अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। उनकी नाफरमानी और नाराज़गी से दुनिया में रुसवाई और आखिरत में दोजख मिलती है, यानी कि अगर उनको माँ बाप की अगर नाफरमानी कीजिए तो आप लोग ना दुनिया में सुकून से रह सकते हैं, ना आपकी आखिरत बेहतर होगी, और नहीं तो आपको अल्लाह ताला दोजख में भी डाल सकते हैं। इसलिए उन्हें कभी नाराज़ मत कीजिए, अल्लाह को नाराज़ करना है, अल्लाह को भी राज़ी रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की रज़ा किस में है? माँ बाप की रज़ा में। माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल माँ बाप के साथ अच्छा सलूक है, यानी कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो अपने माँ बाप के साथ बच्चों का जो अच्छा सलूक होता है उससे पसंद करते हैं। माँ के कदमों तले जन्नत है, अल्लाह की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है, यानी कि माँ के कदमों तले आप सबने सुना होगा कि हाँ जन्नत है, माँ की खिदमत तो करनी है जन्नत पाने के लिए, लेकिन अगर वालिद जो हमारे पापा होते हैं अबू, अगर उनको हम खुश रख लेंगे तो फिर हम अल्लाह को भी खुश रख लेंगे। अगर हमारे पापा नाराज़ हो गए तो फिर अल्लाह भी हमसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए हमें अल्लाह की रज़ा के लिए अपने वालिद साहब को भी राज़ी रखना है, उन्हें हमेशा खुश रखना है। हम अल्लाह के हुक्म मानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं और बुरे कामों से बचते हैं। इन बातों से अल्लाह खुश होता है, वह हम पर बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला ने हम पर जो भी मतलब अल्लाह ने हम बच्चों को जो भी हुक्म दिया है तो हम सब उनके हुक्म को मानते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं और बुरे कामों से बचने की कोशिश भी करते हैं। और इन बातों से जो हम सब ये जो काम करते हैं ना अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, और अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा इंशाल्लाह अगर हम ऐसे काम करें तो, और अल्लाह बहुत मेहरबान है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सबक हो गया पूरा, और इस सबक से आप लोगों को यही सीखना है कि आप लोग अपने अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और बस इतना करिए आगे क्या? और माँ बाप बहुत कीमती हैं, उनकी कद्र कीजिए, कभी भी उनके साथ कभी भी बुरा सलूक मत कीजिए, ये बेहतर नहीं होगा आप सबके लिए, ना दुनिया के लिए बेहतर है ना आखिरत के लिए बेहतर है। इसलिए बेहतरी यही है कि आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। तो ये सबक तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत था, आप सब बच्चे इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे आप लोग अपने लाइफ में फॉलो भी कीजिएगा, मानिएगा भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़ कर बस बुक बंद कर दिया बस बात ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे मानिएगा भी आप लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।